नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दोस्त कुमार अग्रवाल। आज हम नया सेशन लेकर आए हैं जिसका नाम है लिंक लिस्ट। और लिंक लिस्ट के बारे में हम लोग संपूर्ण समझेंगे यहाँ पर, क्या लिंक लिस्ट का कंसेप्ट है, लिंक लिस्ट कैसे एरे से डिफरेंशिएट करता है और लिंक लिस्ट कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या ऑपरेशन हम लोग लिंक लिस्ट के अंदर में कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं लिंक लिस्ट के बारे में। लिंक लिस्ट एक्चुअल में है क्या चीज? ये है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर का अगर हम बात बोले तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू कॉम्प्लेक्स डेटा को स्टोर करने का जो तरीका होता है उसको हम लोग डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। जब भी डेटा स्ट्रक्चर का हम लोग बात बोलेंगे तो डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग का बहुत तरीके का डेटा टाइप होंगे, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, उसके अंदर में लीनियर, नॉन लीनियर, इस तरह के क्लासिफिकेशन होगा। उसमें लिंक्ड लिस्ट क्या है? वो लीनियर टाइप का है। ठीक है, लिंक लिस्ट के अंदर में क्या होता है कि जो भी डेटा हम एक जगह स्टोर करते हैं वो डेटा और उसके अगला जो डेटा होगा वो दोनों आपस में पॉइंटर के थ्रू कनेक्टेड होता है। कि आगे लिंक लिस्ट और एरे में क्या डिफरेंशिएट होगा वो हमें कैसे पता लगेगा, इस तरीके से। ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है ये मेरा बिल्कुल एरे के जैसे है। एरे में जिस तरीके से हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कराते हैं वो चीज होता है। मतलब अगर हम लोग डेफिनेशन के हिसाब से बात ना करें और कंसेप्ट के हिसाब से बात करें तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं एरे क्या है, एक बहुत बड़ा बॉक्स है और उस बॉक्स डिवाइड करके रखे हैं उस बॉक्स को और उसमें हम लोग डेटा को स्टोर करके रखे हैं। मतलब एक बहुत बड़े बॉक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उसमें डेटा को स्टोर करते हैं। तो मतलब अगर कहीं पर भी हम लोग को रिक्वायरमेंट होता है पूरा बड़ा साइज का बॉक्स का रिक्वायरमेंट होगा और कितना बड़ा बॉक्स चाहिए वो हमको पहले से डिफाइन करना होगा। लेकिन लिंक लिस्ट का अगर हम बात करें तो वो क्या है, छोटे छोटे बॉक्सेस हैं जो एक एक डेटा को स्टोर करेगा और वो अलग अलग जगह पर करेगा। मतलब पहला एरे में क्या है, एक कंप्लीट एक बड़ा सा बॉक्स है जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में क्लासिफाई है और लिंक लिस्ट के अंदर में छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग से बॉक्सेस ही बने हुए। इससे फायदा क्या हो गया, कभी भी हम लोग को एज्यूम करते हैं कि बहुत बड़ा एप्लीकेशन कुछ बनाना होता है तो हम लोग को बहुत ज्यादा डेटा चाहिए और बहुत ज्यादा स्टोरेज चाहिए। उतना डेटा और स्टोरेज अगर हम बोलेंगे एक जगह पर लगातार में हमको कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन रैम में मिल जाए तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होता। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, रैम को रिक्वेस्ट करते हैं, छोटे छोटे स्पेस जहां जहां आपको फ्री है वो सब स्पेस हमको दे दीजिए, हम उसी को यूज कर लेंगे। और वो जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिंक लिस्ट के थ्रू। तो मतलब मेमोरी मैनेजमेंट की तुलना में अगर हम लोग बात करें तो एरे की तुलना में लिंक लिस्ट बहुत ज्यादा फ्लेक्सीबल है। सेकेंड चीज क्या बता रहे हैं, लिंक लिस्ट और एरे के अंदर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आ जाता है कि लिंक लिस्ट के अंदर में हमको साइज पहले से डिफाइन करके नहीं देना पड़ता। जैसे जैसे हमको रिक्वायरमेंट होगा वैसे वैसे क्या होगा, हम लोग लिंक लिस्ट का साइज को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट एट द रन टाइम हम लोग कर सकते हैं। लेकिन एरे में क्या होता था, वो स्टैटिक होता था। स्टैटिक का मतलब हो गया जब उसको डिक्लेयर करते हैं हम लोग उस समय ही उसका मेमोरी एलोकेशन को डिफाइन करते हैं कि भैया हमको एरे इतना साइज का चाहिए और वो जो साइज हम लोग एरे के प्रीफिक्स में जो डाल रहे हैं वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो वेरिएबल नहीं हो सकता। क्लियर है? लेकिन अगर बात करें लिंक लिस्ट का तो लिंक लिस्ट के अंदर में जैसे जैसे हमको रिक्वायरमेंट होगा वैसे वैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं और जैसे रिक्वायरमेंट खत्म होगा हम लोग साइज को श्रिंक कर सकते हैं। उस कारण से क्या होगा, वेस्टेज ऑफ मेमोरी जो है उसमें बहुत कम है। थर्ड चीज, लिंक लिस्ट को जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं लिंक लिस्ट नॉर्मली पॉइंटर के थ्रू लिंकिंग होता है क्या चीज अगर देखते हैं तो एक लिंक लिस्ट के अंदर में ये जो एक पार्ट होगा जहां पर हम डेटा स्टोर करेंगे वो लगभग दो पार्ट का स्टोरेज होता है। पहला तो ये हो गया जिसमें हम डेटा को स्टोर करेंगे और दूसरा पार्ट होता है जो कि मेरा नेक्स्ट एड्रेस को पॉइंट करेगा। मतलब मेरा जितने भी डेटा स्टोर है वो पर्टिकुलर एक जगह पर तो है नहीं, कोई किसी कोने में है, कोई दूसरे कोने में है, तो कौन सा डेटा इसके बाद वाला एक्सेस होगा और वो कहाँ पर एलोकेटेड है तो उसके लिए उसका एड्रेस हम लोग उससे प्रीवियस वाले नोड पर हम लोग स्टोर करके रखते हैं। अगर हम प्रीवियस वाले नोड पर स्टोर करके रखते हैं तो ऑब्वियस है इट शुड बी अ पॉइंटर, क्योंकि ये पॉइंट करता है ये बड़े वाले स्ट्रक्चर, मतलब इसको पॉइंट कर रहा है। और ये छोटा वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर बनाता है। इन्फॉर्मेशन मेरा कोई एक स्टूडेंट का भी हो सकता है, किसी डेटा का हो सकता है, किसी मार्क्स का हो सकता है, मतलब इन्फॉर्मेशन मेरा मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं। लेकिन
जो भी स्टोरेज हम एक में स्टोर करेंगे उस लिस्ट के जितने भी स्टोरेज वाले पार्ट आएंगे सब में सेम टाइप के डेटा को स्टोर करेगा। मतलब लिंक लिस्ट जो है लेने के साथ साथ में होमोजेनियस टाइप के भी डेटा को स्टोर करके रखता है। अब ये क्या है कि पहला नोड है, पहला नोड दूसरे नोड को पॉइंट करके रखे हुआ है, मतलब दूसरा नोड क्या हो गया जो कि तुम्हारा एड्रेस उसका पहले नोड के पास में है। उसी तरीके से अगर मान कर चलो तीसरा डेटा हम कहीं पर स्टोर करते हैं तो उसका एड्रेस हम लोग दूसरे वाले नोड पर डाल कर रखेंगे। अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये मेरा आखिरी नोड है, इसका मतलब इसके बाद और कोई डेटा है नहीं, तो हम लोग उसको यहाँ पर पॉइंटर में क्या डिफाइन करके रखते हैं, नल डिफाइन करके रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लिंक लिस्ट के लास्ट में, क्या बताएं लिंक लिस्ट के लास्ट वाला जो पॉइंट नोड होगा उसमें हमेशा क्या डिफाइन होगा, नल होगा। ये क्या इंडिकेट करता है कि इसके बाद लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है। उसी तरीके से अगर एरे और लिंक लिस्ट के अंदर में डिफ्रेंशिएट हम लोग करें तो हम लोग बोल सकते हैं एरे का साइज फिक्स होता है लेकिन लिंक लिस्ट का साइज फिक्स नहीं है। सेकेंड चीज क्या है, एरे के अंदर में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हमको डालना है वो डिफाइन होता है कंपाइल टाइम में ही, मतलब ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन टाइम ही हमको उसको डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन लिंक लिस्ट में डिक्लेरेशन के टाइम में हमको साइज डिफाइन करने का कोई काम नहीं है, जिस समय हमको जितना एलिमेंट्स का जरूरत होगा उतना ही हम एलिमेंट्स आगे बढ़ा बढ़ा कर लेते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, अगर लिंक लिस्ट में अगर हम बात करें तो फिर से एक चीज देखिए, लिंक लिस्ट में अगर हमको डेटा को स्टोर करना हो तो हम यहाँ पर डेटा स्टोर करेंगे, ये मेरा एक्स्ट्रा वाला पार्ट है जो कि पॉइंटर को ऐड कर रहा है, ये वाला फिर डेटा स्टोर करेगा और ये वाला पार्ट फिर एक्स्ट्रा है। मतलब अगर पांच डेटा स्टोर हमको करना है तो पांच एक्स्ट्रा वेरिएबल्स भी हमको रिक्वायरमेंट पड़ गया जो वेरिएबल्स मेरा अगले को पॉइंट करके रख रहा है। मतलब ईच नोड में कहीं ना कहीं पर हम लोग को एक्स्ट्रा कुछ स्पेसेस को देना पड़ रहा है। पांच डेटा स्टोर करना है तो पांच एक्स्ट्रा स्पेस हो गया, अगर 10 डेटा को स्टोर करना है तो 10 एक्स्ट्रा स्पेस हो गया। इस कारण से मतलब एक्स्ट्रा स्पेसेस लिंक लिस्ट को चाहिए। लेकिन जब हम एरे का बात करते हैं तो एरे में कोई इस टाइप का कुछ आता नहीं है, सिर्फ हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। मतलब एरे की तुलना में लिंक लिस्ट के अंदर में हम लोग का कोई भी एक्स्ट्रा स्पेसेस का रिक्वायरमेंट नहीं है, एरे में कोई भी मेमोरी रिक्वायरमेंट नहीं है। लिंक लिस्ट ज्यादा मेमोरी एलोकेशन लेगा एज कम्पेयर टू एरे। नेक्स्ट चीज अगर हम बात करते हैं लिंक लिस्ट का, तो लिंक लिस्ट के अंदर में ये वाले नोड से हम इसी नोड पर आ सकते हैं और इस वाले नोड से हम इस नोड पर आ सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग इस वाले नोड पर नहीं आ सकते। मतलब क्या हो गया कि जब भी हमारा ट्रेवर्सिंग होगा वो हमेशा लीनियर होगा, यहां से यहां, यहां से यहां, ठीक है। लेकिन एरे के अंदर में हम लोग इंडेक्स के थ्रू सेकेंड इंडेक्स पर जाना है या थर्ड इंडेक्स पर जाना है हम लोग डायरेक्टली भी स्विच कर सकते थे, लेकिन लिंक लिस्ट में हम लोग कंटिन्यूअसली हम लोग जा सकते हैं वन आफ्टर अनदर। इसी कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि जो बाइनरी सर्च है वो लिंक लिस्ट के अंदर में पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट चीज आता है हमारा क्या है, इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशंस का। इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशंस एरे के अंदर में कॉम्प्लेक्स होता है। एरे के अंदर में मांगकर चलिए कि हमको पर्टिकुलर इस जगह पर एक नया डेटा को स्टोर करना है, तो हमको क्या करना पड़ता है, सारे वैल्यूज को हमको बैक करना पड़ता और जहां पर फिर डेटा को स्टोर करना पड़ता। अगर आगे से कोई डेटा को रिमूव करना होता तो सबको हमको आगे की ओर खींचना पड़ता, क्लियर है। मतलब इंसर्ट करते समय या डिलीट करते समय हमको एक्स्ट्रा भी शिफ्टिंग ऑपरेशंस भी लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर लिंक लिस्ट में मांगकर चलिए जी ये डेटा को हमको रिमूव करना है तो ये डायरेक्टली इसको पॉइंट कर रहा था, अब ये डायरेक्टली इसको पॉइंट कर लेगा तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब लिंक लिस्ट के अंदर में इंसर्शन और डिलीशन काफी आसान है एज कंपेयर टू एरे। लेकिन सर्चिंग में हम डायरेक्टली फोर्थ इंडेक्स में, हम डायरेक्टली सेवेंथ इंडेक्स में, हम एरे में जा सकते हैं, लेकिन लिंक लिस्ट में हमको स्विच कर ही जाना होगा। इसलिए सर्चिंग ऑपरेशंस लिंक लिस्ट के अंदर में कॉम्प्लेक्स है और टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन एरे के अंदर में काफी आसान है। अगर स्ट्रक्चर का बात करें तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि ये जो लिंक लिस्ट हम बनाते हैं, ये लिंक लिस्ट के अंदर में ये वाला पार्ट है क्या चीज, ये वाला पार्ट का अगर हम लोग डिफाइन करें तो इसको हम लोग नोड बोलते हैं। और ये नोड के अंदर में दो पार्ट होता है, एक इंफॉर्मेशन जो डेटा हमको स्टोर करना है, ये इंफॉर्मेशन का डेटा इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी होता है, स्ट्रक्चर भी हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स कोई यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी हो सकता है।
लेकिन किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन स्टोर होगा तो इसी स्पेस। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो होता है लिंकिंग वाला पार्ट, जो अगले नोड को पॉइंट करेगा। अगर हम बात कर रहे हैं ये नोड को हम लोग स्ट्रक्चर, यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इसका जो एड्रेस होगा वो किस टाइप के पॉइंटर में स्टोर होगा। ऑब्वियस है पॉइंटर का एक फीचर्स है, वो क्या है कि स्ट्रक्चर का पॉइंटर सिर्फ अपने ही टाइप के वेरिएबल का डेटा को स्टोर कर सकता है। मतलब अगर इस टाइप का वेरिएबल है तो उसका एड्रेस इसी टाइप के वेरिएबल के पॉइंटर में स्टोर होगा। मतलब अगर स्ट्रक्चर नोड है मेरा तो उसके अंदर का जो पॉइंटर होगा वो भी स्ट्रक्चर नोड के टाइप का ही होगा। तो इसीलिए एक नोड का अगर हम बात करें स्ट्रक्चर को, तो मेरा स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, अगर सी लैंग्वेज में हम डिफाइन कर रहे हैं तो एक पहला इंफॉर्मेशन वाला पार्ट, हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए इंटीजर लेकर चले हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा पॉइंटर वाला पार्ट जो स्ट्रक्ट नोड टाइप का। अब आते हैं टाइप ऑफ लिंक लिस्ट। टाइप ऑफ लिंक लिस्ट में अगर हम लोग बात करें तो चार तरीके के लिंक लिस्ट होते हैं। पहला तो लिंक लिस्ट होता है, उसके अंदर में क्या है कि पहला नोड मतलब पहला नोड दूसरे को पॉइंट करेगा, दूसरा नोड तीसरे को पॉइंट करेगा, इस तरीके से पॉइंट करता चलेगा, जो आखिरी नोड होगा उसमें नल होगा, जो सिंपलेस्ट है, और इसको हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट भी बोलते हैं। क्लियर है? इसके अंदर भी क्या होता है, पहला जो नोड होगा एड्रेस एक जगह स्पेसिफिक स्टोर करके रखना होगा। तो पहला नोड का जो एड्रेस होता है उसको स्टोर करने के लिए हम लोग स्टार्ट लेकर रखते हैं, और स्टार्ट पॉइंटर के अंदर में पहला नोड का एड्रेस स्टोर होता है। मतलब स्टार्ट पहले को पॉइंट करेगा, पहला दूसरे को पॉइंट करेगा, दूसरा तीसरे को पॉइंट करेगा, कंटिन्यूअस इस तरीके से चलता रहेगा जब तक कि नल ना आ जाए। ये हो गया सिंगली लिंक लिस्ट। सर्कुलर के अंदर में क्या होता है, बिल्कुल एज कंपेयर टू सिंगली लिंक लिस्ट सेम होता है, विद अ डिफरेंस दैट लास्ट में जो हम लोग नल लिखते हैं, नल भी लिखते हैं, इसका कोई यूज तो है नहीं। नल खाली इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो है इसके बाद कोई भी नोड नहीं है, तो हम लोग उसको ऑपरेशंस में भी यूज कर सकते हैं सर्कुलर बनाने के लिए। मतलब आखिरी नोड वापिस पहले नोड को पॉइंट करने लगेगा। अगर हम लोग सिनेरियो देखें तो क्या आ रहा है कि पहला नोड दूसरे को पॉइंट कर रहा है, दूसरा नोड तीसरे को पॉइंट कर रहा है, और तीसरा नोड वापिस पहले वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। अगर इस टाइप का सिनेरियो हमारा बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर। मतलब सर्कुलर के अंदर में क्या हो गया, सिंगली लिंक लिस्ट के जैसे ही सेम सब कुछ सेम रहेगा, बट आखिरी नोड इंस्टीड ऑफ कंटेनिंग अ नल पॉइंटर इट विल कंटेन द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। वैसे क्या हो जाएगा, अब हम लोग देखते हैं डबली लिंक लिस्ट। अब सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर में क्या चीज था, ये वाले नोड सिर्फ इसको पॉइंट करता था और ये वाला इसको पॉइंट करता था। हम लोग अब क्या कर रहे हैं डबली लिंक लिस्ट में, अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेनिंग अ वन पॉइंटर हम लोग दो पॉइंटर को कंटेन कर रहे हैं। मतलब एक जो अगले नोड को पॉइंट कर रहा है, एक जो अगले नोड को पॉइंट कर रहा है, दूसरा जो इससे पहले वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। अगर ऐसा हो तो हम लोग उसको बोलते हैं डबली लिंक लिस्ट। डबली मतलब इट कंटेन द टू पॉइंटर, एक पॉइंटर इससे पहले वाले को पॉइंट करेगा और दूसरा पॉइंटर इसके बाद वाले को पॉइंट करेगा। अगर ऐसा हो तो इसको हम लोग क्या बोले, डबली लिंक। क्लियर है? अब डबली लिंक में हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी ना हो इसलिए एक पॉइंटर जो स्टोर करता था स्टार्ट, जो पहले वाले का एड्रेस स्टोर करके रखता था, उसके साथ साथ में हम लोग क्या करते हैं एंड के नाम से भी एक पॉइंटर लेकर रखते हैं जो आखिरी नोड को भी पॉइंटर करता है। अब उसके सिनेरियो में क्या है, अगर ये पहला नोड है तो उसके पास दूसरे नोड का एड्रेस होगा, तो उसके नेक्स्ट में दूसरे नोड का एड्रेस होगा, और इससे पहले कोई पॉइंटर नहीं है, नोड नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, नल। वैसे ही इस वाले का अगर देखें, इससे पहले कौन सा नोड है, ये वाला, इसका 100 था, इसके प्रीवियस में 100 आ जाएगा, और इसके बाद कौन सा है, ये वाला, इसका 300 है, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, 300। अगर इस वाले को डील करें तो इससे पहले कितना था, 200 वाला, तो 200 का आ गया। इसके बाद कौन सा है, कोई भी नोड नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, नल। क्लियर है? चौथा टाइप का अगर हम लिंक लिस्ट का बात करते हैं, तो चौथा टाइप का जो लिंक लिस्ट है वो है सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट।
इसको हम लोग डबली सर्कुलर भी बोलते हैं। इसके अंदर में क्या है, बिल्कुल एज सेम एज डबली लिंक लिस्ट ही है, बट इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेनिंग अ नल पॉइंटर ये क्या करता है, सर्कुलर बनाता है। व्हाट डज इट मींस कि आखिरी वाला नोड ये क्या करेगा, पहले वाले को पॉइंट करेगा और पहला वाला नोड आखिरी वाले को पॉइंट करेगा। अगर हम लोग सिनेरियो में देखें तो बिल्कुल वही सी दिया हुआ है। यहां पर क्या है, ये पहला नोड था तो इसके अगले नेक्स्ट वाले में क्या है, अगला का पॉइंटर है, लेकिन इसके प्रीवियस में क्या हो जाएगा, आखिरी नोड का, आखिरी नोड कौन सा है ये, तो इसका 300 है यहाँ पर आ गया, मतलब ये 300 को भी पॉइंट करता है। उसी तरीके से ये यहाँ पर जो है जो आखिरी वाला नोड, इस वाले को प्रीवियस में आ गया 200 का, नेक्स्ट में नल के बदले क्या हो गया, पहला नोड का एड्रेस। क्लियर है? जो चार तरीके के लिंक लिस्ट होंगे और जो चारों तरीके के लिंक लिस्ट हम लोग इन डिटेल ऑपरेशन के साथ चेक करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं लिंक लिस्ट के अंदर में। जो मेन ऑपरेशन है वो तीन है, वो है इंसर्शन, डिलीशन और ट्रैवर्सल। इंसर्शन मतलब क्या हो गया, लिंक लिस्ट में हम कहां पर वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, मतलब वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए हो सकता है हम आगे में बोला जाए एक नोड को इंसर्ट करो, हो सकता है बोला जाए पीछे से एक नोड को इंसर्ट करो, हो सकता है हम लोग को बोला जाए पहले पोजीशन पर या दूसरे पोजीशन पर नोड को इंसर्ट करो। तो हम लोग कहीं पर भी किसी नोड को इंसर्ट कर सकते हैं, उसका लॉजिक आएगा। अगर वो चीज देखे तो क्या हो गया, एट बिगिनिंग उसका ऑपरेशन हो सकता है, एट स्पेसिफिक पोजीशन बीच में कहीं पर भी इंसर्ट करने के लिए बोला जा सकता है, और यहाँ तो एट द लास्ट मतलब एंड में भी इंसर्ट करने के लिए हम लोग को बोला जा सकता है। उसी तरीके से डिलीशन ऑपरेशन आएगा, डिलीशन ऑपरेशन भी बिल्कुल वही है, पहले नोड को डिलीट करने के लिए बोला जा सकता है, बीच में से कोई भी नोड को डिलीट करने के लिए बोला जा सकता है, या आखिरी नोड को भी डिलीट करने के लिए बोला जा सकता है। तो मतलब हम लोग डिलीशन में भी किसी भी लोकेशन से पहले आखिरी या बीच कहीं से भी हम लोग डिलीट कर सकते हैं। ट्रैवर्सल का मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट नोड आखिरी नोड तक मूवमेंट करना, इस जगह से इस जगह तक, इस जगह से इस जगह तक। अगर मान के चलो 50 नोड हमारे पास है तो पहले नोड से दूसरे, दूसरे तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरीके से होते हुए आखिरी नोड तक पहुंचना है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल हम लोग कोई भी तरीके के लिए, कोई भी लॉजिक के लिए हम लोग कर सकते हैं। हो सकता है हमको बोला जाए कि हर एक नोड्स के वैल्यू को या इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराना है, तभी भी डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग पहले नोड से शुरू करेंगे आखिरी नोड तक जाएंगे, वो भी ट्रैवर्सिंग में आ सकता है। हो सकता है कोई डेटा के लिए आपको सर्च करने के लिए बोला जाए कि वो डेटा उसमें अवेलेबल है या नहीं है उसके लिए, हो सकता है हमको बोला जाए कितने नोड्स है उसमें काउंट करने के लिए, तो काउंटिंग के लिए भी। इस तरीके से कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन जो भी ऑपरेशन है जो ट्रैवल करने में काम आए, मतलब पहले नोड से लेकर आखिरी नोड तक मूव करे और नोड बाय नोड मूवमेंट हो, उसको हम लोग ट्रैवर्सिंग ऑपरेशंस बोलते हैं। मतलब ट्रैवर्सिंग ऑपरेशंस के अंदर में पहले तो डिस्प्ले आएगा, उसे काउंटिंग के लिए हो सकता है या सर्चिंग के लिए हो सकता है, हम लोग किसी भी चीज के लिए ऑपरेशंस हो सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर में वो तीनों तरीके के ऑपरेशंस करेंगे, इंसर्शन, डिलीशन और ट्रैवर्सिंग का, फिर सर्कुलर के अंदर में करेंगे, फिर डब्ल्यू में करेंगे, फिर सर्कुलर डब्ल्यू में करेंगे। ये चारों में हम लोग ऑपरेशंस करेंगे और चारों में किस तरीके से ऑपरेशंस होगा उसको प्रोग्रामेटिकली हम लोग देखेंगे। तो इसके बाद वाले जितने भी वीडियोस होंगे उसमें हम लोग लॉजिक के साथ साथ किस तरीके से डेटा मेरा इंसर्ट होगा, किस तरीके से डेटा मेरा डिलीट होगा, उसके लॉजिक के साथ साथ सी लैंग्वेज में कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसका कोडिंग भी देखेंगे। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत, और आप लोग जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कीजिए और कुछ कमेंट दे सकते हैं आप लोग और सजेशंस दे सकते हैं, जैसे आपको कैसा लगा, नहीं लगा, कैसे चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से हम अपना फर्दर एनहेंसमेंट जरूर